पहली बात तो चाहे आप फास्ट लर्नर हो या स्लो लर्नर हो, दोनों ही केसेस में आपको इनफ टाइम मिलता है अपनी प्रेपरेशन लेवल बहुत अच्छा करने में, और दूसरी चीज़ आप ऑलरेडी अपने कंपटीशन से अहेड होते हो, क्योंकि इस टाइम पे लोग यूजुअली नहीं प्रेपरेशन करना स्टार्ट करते हैं. वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो, एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना चाहते हो, या फिर आप डेटा साइंस पे जाना चाहते हो, एनी थिंग यू वॉन्ट टू डू आप उसे एक्सप्लोर कर पाते हो. एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग इंजाज यूट्यूब चैनल. सो माय नेम इज तृप्ति, एंड आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि आपको फर्स्ट ईयर ऑफ अपने कॉलेज में क्यों डीएसए पढ़ना चाहिए. सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट इन दिस वीडियो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द कोडिंग इंजाज यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट. ओके, सो फॉर द फर्स्ट पॉइंट मैं बोलूँगी बेटर प्रेपरेशन. तो अगर आप अपने फर्स्ट ईयर में ही डीएसए पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो पहली बात तो चाहे आप फास्ट लर्नर हो या स्लो लर्नर हो, दोनों ही केसेस में आपको इनफ टाइम मिलता है अपनी प्रेपरेशन लेवल बहुत अच्छा करने में. आप धीरे धीरे अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हो, उनकी प्रैक्टिस कर पाते हो, और दूसरी चीज़ आप ऑलरेडी अपने कॉम्पिटिशन से अहेड होते हो, क्योंकि इस टाइम पे लोग यूजुअली नहीं प्रेपरेशन करना स्टार्ट करते हैं फॉर एनी रीज़न. बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आई सजेस्ट कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो इस टाइम पे स्टार्ट कर दो, बिकॉज आपको अच्छे से टाइम मिल पाएगा, आपका प्रेपरेशन लेवल अच्छा हो पाएगा जब तक आप इंटर्नशिप्स या प्लेसमेंट्स आते हो. सो दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट. सो फॉर द सेकेंड पॉइंट मैं बोलूँगी एक्सप्लोरेशन. तो सिंस आप जल्दी स्टार्ट करते हो चीज़ें, तो आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप चीज़ें एक्सप्लोर कर पाओ. लाइक अगर मैं डेवलपमेंट साइड से बात करूँ, तो आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो, एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना चाहते हो, या फिर आप डेटा साइंस पे जाना चाहते हो, एनी थिंग यू वॉन्ट टू डू आप उसे एक्सप्लोर कर पाते हो. एंड नॉट ओनली अबाउट द डेवलपमेंट साइड, अगर आपको करियर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने हैं कि क्या आपको एसडी के अंदर जाना है, या आपको डेटा साइंस के अंदर जाना है, आपको किसी भी चीज़ में जाना है, आप सारे करियर ऑप्शंस इस टाइम पे एक्सप्लोर कर पाते हो. आपको पता चल जाता है कि चीज़ों में क्या क्या होता है, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स होती हैं वो उसमें आप क्या करते हो, आपको क्या सिखाया जाता है, आपको क्या करना पड़ता है. तो इस टाइम पे ही बेस्ट टाइम होता है आपके लिए चीज़ें एक्सप्लोर करने का. सो एक्सप्लोरेशन इज द सेकेंड पॉइंट दैट आई विल से. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो थर्ड पॉइंट के लिए मैं बोलूँगी प्रोजेक्ट्स. तो जब आप एक्सप्लोरेशन कर रहे होते हो, आप डिफरेंट टाइप्स की डेवलपमेंट्स या फिर मशीन लर्निंग हो गया या एनीथिंग यू आर ट्राइंग, आप अपना स्किल सेट डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हो, तो इस टाइम पे आप साथ में प्रोजेक्ट्स भी बनाते हो. आप अपने इजी लेवल से लेके इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स तक बना सकते हो, और ये सारे प्रोजेक्ट्स आपके बाद में इंटर्नशिप्स या प्लेसमेंट्स के टाइम हेल्प करते हैं रेज्यूमे बिल्डिंग में, जो कि काफ़ी आपका रेज्यूमे और या फिर आपकी प्रोफाइल को अच्छा बना देता है. सो प्रोजेक्ट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको बनाने का अच्छे से टाइम मिल जाता है. सो फॉर द फोर्थ पॉइंट मैं बोलूँगी कंपेटिटिव प्रोग्राम, जो कि आप लोगों ने बहुत सुना होगा. तो अगर आप अपने फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में हो और आपने डीएसए की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी है, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डू कम्पेटिटिव प्रोग्रामिंग, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो. क्योंकि कम्पेटिटिव प्रोग्रामिंग में क्या है, आपको कॉन्टेस्ट देने की आदत पड़ना, या आपको कहाँ पर करनी है, कहाँ से क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस, या कहाँ पर कॉन्टेस्ट देने हैं, ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करने का भी टाइम मिलता है. और सिंस एक आदत बनने में टाइम लगता है, क्योंकि आपका कॉलेज का भी काम होता है और भी चीज़ें होती हैं जो आप साइड बाई साइड प्रिपेयर कर रहे होते हो या स्किल्स डेवलप कर रहे होते हो, तो कम्पेटिटिव प्रोग्रामिंग एकदम से ही नहीं हो जाती. टाइम लगता है आपको पहले तो यूज टू होने में कॉन्टेस्ट देने का, उसके अलावा उसमें इम्प्रूव करने में टाइम लगता है. बिकॉज काफ़ी बार स्टार्टिंग में एक भी क्वेश्चन नहीं होते, फिर धीरे धीरे एक या दो क्वेश्चंस होने लगते हैं, फिर तीन क्वेश्चंस, तो धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट होती है. तो उसके लिए आपको इनफ टाइम मिल जाता है कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग को ट्राई करने के लिए, अगर आप वो करना चाहते हो. फिफ्थ पॉइंट आई विल से आपके ओपन सोर्स, योर मेंटोरशिप प्रोग्राम्स, योर स्कॉलरशिप्स एंड इवन योर इंटर्नशिप्स, ये सारी चीज़ों के बारे में अवेयर होने के लिए आपको टाइम मिल जाता है. कि जैसे कि ओपन सोर्स में आप जी सॉक एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर बहुत सारे ऐसे मेंटोरशिप या स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं जो कि फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर्स के लिए होते हैं, एंड उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलता है. और अगर आप पहले से ध्यान रख के चलोगे, तो आपको डेडलाइंस मिस होने का इशू नहीं रहेगा, आपको चीज़ें पता रहेंगी, यू विल बी मोर अवेयर, एंड आप इंटर्नशिप्स के लिए भी पहले से प्रिपेयर होकर चल सकते हो कि किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स के थ्रू कंपनीज इंटर्न्स हायर करके लेके जाती हैं. सो ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करने का आपको टाइम मिल जाता है, और आपको करना भी चाहिए अगर आप अपने फर्स्ट और सेकेंड ईयर में हो. ओके, सो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलूँगी जो आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो जाती है अगर आप टाइम से चीज़ें शुरू करते हो, एंड दैट इज़ योर कॉन्फिडेंस. अगर आप फर्स्ट ईयर से
टाइम से आप सब चीज़ें करना शुरू करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि आप काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर चुके होगे, आप प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से कर रहे होगे, वेर एज आप और लोगों को देखोगे जो कि अभी भी थोड़े से क्लूलेस होंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. तो कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको आगे इंटरव्यूज़ को भी या फिर जो भी आपको काम करना है उसको एस करने में हेल्प करेगी. सो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से डेवलप होता है अगर आप चीज़ें टाइमली या अर्ली करते हुए चलते हो. एंड लास्टली आई विल से वो लोग जो अभी फर्स्ट या सेकेंड ईयर्स में नहीं हैं, थर्ड या फोर्थ ईयर्स में है, या फिर जिन्हें लग रहा है कि हाँ मैंने स्टार्ट नहीं करा या थोड़ा सा लेट स्टार्ट करा है, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ठीक है कोई नहीं, हो जाता है. जब भी आपने स्टार्ट करा हो ना, बस तब चीज़ों को अच्छे से करना, क्योंकि यू स्टिल हैव टाइम. आप अभी भी बहुत मेहनत करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो. जो हो चुका है, जो निकल गया है, उसको मत ध्यान दो. आगे जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आगे जो आपकी इंटर्नशिप्स हैं या प्लेसमेंट्स हैं या आपको और कुछ करना है, उन चीज़ों पर ध्यान रखो. एंड एवरीबडी स्टे हेल्दी इन दिस पैंडमिक. एंड होप यू लाइक दिस वीडियो. पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर करना. एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.